नमस्कार। आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि जब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, कोई चीज समझाते हैं, बार बार वो नहीं समझता है, तब आप उसे मार देते हैं। आप बच्चे को बाजार लेके गए, वहां पे वो कोई सामान लेने की जिद करता है, आपने समझाया नहीं समझा, आपने उसे मार दिया। तो आप लोग अक्सर ये पूछते हैं कि मैं इतने बच्चों को संभालती हूँ, कभी गुस्सा नहीं करती हूँ, कभी मारती नहीं हूँ, कैसे? तो जरा आपसे एक बात पूछती हूँ कि घर में अगर पति पत्नी रह रहे हैं और वो एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? घरेलू हिंसा। किसी जानवर को अगर मारते हैं तब क्या कहा जाता है? कि जानवर पे अत्याचार हो रहा है। तो वो जो मार है, जो पति पत्नी के केस में, जानवर के केस में, वो हिंसा है, अत्याचार है। तो भला बच्चे के केस में वो सही कैसे हो सकती है? मार तो मार है, और गलत चीज, जो मार है, गलत चीज करके आप बच्चे को सही समझा सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अपना धैर्य बढ़ाइए। दूसरी चीज, कई बार हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो शांत बैठता नहीं है, हम नया खिलौना लेकर आते हैं बस वो तोड़ देता है। लेकिन आप ये समझिए कि जब तक बच्चा जोड़े तोड़ेगा नहीं, तब तक वो नई चीजें सीखेगा कैसे? बच्चा जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है, मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि पूछिए नहीं। वही एनर्जी वो हमारी तरह दुनियादारी में तो लगाता नहीं है, वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। उछल कूद, उसकी चंचलता जो है, वो हर पल उसे कुछ न कुछ नया सिखाती है। अब आपने उसे मारा तब क्या हुआ? दो चीजें होंगी, या तो वो दब्बू बन जाएगा, आने वाले समय में जो अभिव्यक्ति की क्षमता है उसकी वो इतनी दब जाएगी कि लोगों के सामने वो बोल ही नहीं पाएगा, अपनी बात नहीं रख पाएगा, या फिर वो विद्रोही स्वभाव का हो जाएगा, वो आपके रिस्पेक्ट करना भी कम कर देगा या खत्म कर देगा, पूरी तरह आपके रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं। एक छोटे से उदाहरण से समझिए, एक महिला है जो अपने पूरे घर के लिए खाना बनाती है बहुत मन से। अब उसने खाना बनाया और घर वालों ने क्या किया, खाना खाया, खाने में नमक कम था। अब घर वाला है उसको एक थप्पड़ मार रहा है, खाने में नमक इतना कम है, तुम्हें बनाना नहीं आता है? देखो तुम्हारे जैसी सारी बाकी महिलाएं हैं अड़ोस पड़ोस की, कितना टेस्टी खाना बनाती हैं, कोई तमीज नहीं है तुम्हें, किसी लायक नहीं हो। जब इस तरह से बोलेंगे, धीरे धीरे महिला को क्या होने लगेगा, गुस्सा आने लगेगी कि इतनी मेहनत से मैंने किया और ये इस तरह से बोल रहे हैं। और लगातार दो तीन दिन चार दिन इस तरह होता रहा तो अंत में क्या होगा, वो कहेगी ऐसा है सब अपना खाना खुद बनाओ, मुझे नहीं बनाना है। अब वही चीज आपने क्या कहा, खाने में नमक कम है। अब घर के लोगों ने कहा खाना तो बहुत अच्छा बना है, नमक थोड़ा सा और होता तो क्या बात थी। महिला का मनोबल बढ़ जाएगा, अब वो जब खाना बनाएगी वो पहले टेस्ट करेगी, जरा मैं देख लूं नमक तो बैलेंस है ना, फिर उसको अच्छा ये चीज सही कर दूं, खाना ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। वही चीज बच्चे में, अगर आप उसको मार मार के सिखाएंगे तो वो सीखेगा? वो कभी नहीं सीखेगा। और एक बात मत भूलिए, जरा अपने मम्मी पापा से, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए, आप बिना शैतानी करे ही ऐसे बड़े हो गए हैं, नहीं ना? तो बच्चे का भी हक है, उसको शैतानी करने दीजिए, आप उसको एंजॉय कीजिए, बस उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। उम्मीद है कि अब आप में से कोई भी अपने बच्चे को मारेगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।